ठीक है, प्रोपीन ऑन द रिएक्शन दिस इज प्रोपीन ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, जहां पे बेटे डबल बॉन्ड है वहां पे आपने एक हट बनानी है लाइक दिस. हट बना के हट को तोड़ दोगे. इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, ये याद रखना है जहां पे बेटे डबल बॉन्ड है वहां से ब्रेकेज होती है. ठीक है, इधर एक ऑक्सीजन मिल जाएगी, एक ऑक्सीजन इधर, तो ये दो कार्बन वाली एल्डिहाइड बनेगी, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड. और ये एक कार्बन वाली एल्डिहाइड बनेगी, दिस इज ऑफ टू कार्बन एल्डिहाइड, दिस इज वन कार्बन एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, फटाफट कर लो बस, दिस वी हैव ऑलरेडी डन ऑन सैटरडे, जस्ट टू रिकॉल कि आगे क्वेश्चन करने हैं आपने. ये सीधी चेन है बेटे, तो यू आर गेटिंग टू एल्डिहाइड्स. अगर सीधी चेन ना हो तो क्या होगा? नहीं, दो कीटोन भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ होना चाहिए. अगर यहाँ पे ब्रांचिंग हो, मान लो मैंने अब ये वाला कंपाउंड लिया, तो आपने याद रखना है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ क्लीव होना है. ठीक है, यू विल टेक ओजोन और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे कुछ इस तरीके से हट बनाओ, फिर जिंक और वाटर की प्रेजेंस में तोड़ दो. अब ये टू कार्बन वाला यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड ओ आए, देयर विल बी कीटोन, और वन विल बी एसिटाल्डिहाइड. ठीक है, इन द सेम वे अगर यहाँ पे भी मैं सेकेंडरी ही ले लू, यहाँ पे एल्डिहाइड, देन देयर विल बी तो ये कीटोन बनेगा, दिस विल ऑल्सो फॉर्म अ कीटोन, सो यू विल गेट टू मोल्स ऑफ एसीटोन. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ लिखवाया था, दे हैवन डन. द क्वेश्चन वाज राइट डाउन, जो एब्सेंट थे, द एल्कीन अपॉन ओजोनोलाइसिस एंड एल्कीन अपॉन ओजोनोलाइसिस फॉर्म टू आइसोमेरिक कार्बोनाइल कंपाउंड टू आइसोमेरिक कार्बेनाइल कंपाउंड विद फॉर्मूला C3H6O द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर 40.
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर एंड ऑल्सो ऑफ एल्कीन एंड ऑल्सो ऑफ एल्कीन अगेन एनल्कीन अपॉन ऑर्जनोलाइसिस कोई एल्कीन है कोई भी एल्कीन जैसी एल्कीन थी अपॉन ऑर्जनोलाइसिस फॉर्म टू आइसोमेरिक कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है तो आपको ओजोनोलाइसिस से पता चलता है कि कार्बेनाइल ग्रुप कौन से बने हैं एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा ठीक है विथ फॉर्मूला C3H6O रोल नंबर टू जो कार्बेनाइल कंपाउंड बने हैं उनका फॉर्मूला ये है C3H6O तो वो कह रहे हैं जो बने हैं एक तो उनका स्ट्रक्चर बताओ जो स्टार्टिंग एल्कीन है उसका भी स्ट्रक्चर बताओ समझ आ गई है कोई एल्कीन है जिसकी ओजोनोलाइसिस कराई हुई है पेपर पे इस पे क्वेश्चन होता ही है पर ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं व्हाट इज ओजोनोलाइसिस नहीं आनी है ये कोई कंपाउंड है कोई आपको कार्बेनल कंपाउंड मिल रहा है जिसका फॉर्मूला ये है दो मिल रहे हैं दोनों का फॉर्मूला ये है देखो ध्यान से और दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं ठीक है दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं अब हमें पता है कि एल्डिहाइड है अब दो एल्डिहाइड आइसोमर्स तो हो नहीं सकते क्योंकि एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है वो अंदर तो आएगा नहीं जब वो अंदर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा कीटोन तभी एल्डिहाइड कीटोन एक ही फैमिली को क्यों बिलोंग करते हैं एल्डिहाइड टर्मिनल है कीटोन उसका ही भाई है जो बीच में आता है सी डबल बॉन्ड जब बीच में आ जाता है तब कीटोन कहना शुरू कर देते हो जब साइड पे आता है तो उसे एल्डिहाइड तभी ये कहते हैं दे आर फंक्शनल आइसोमर्स यू हैव डन सो मेनी आइसोमर्स वन वाज चेन वन वाज पोजीशन वन वाज फंक्शनल आइसोमर्स ठीक है तो एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर्स तो दो आइसोमेरिक कंपाउंड मिल रहे हैं दो आइसोमेरिक मीन्स दो आइसोमर्स मिल रहे हैं तो कौन से दो मिलेंगे आपको एक एल्डिहाइड मिलेगा और एक कीटोन मिलेगा क्योंकि इसमें पोजिशनल आइसोमर तो बनेगा नहीं ठीक है क्योंकि एल्डिहाइड का पोजीशन चेंज कर नहीं सकते और दोनों कार्बोनल कंपाउंड है वो दोनों डिफरेंट है ठीक है और फॉर्मूला क्या है सी थ्री तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाओ पहले कौन सा और तीन कार्बन वाला कीटोन बनाने की कोशिश करो कौन सा थ्री कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाओ थ्री कार्बन वाला कीटोन बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया अब तीनों में देखो दोनों में देखो कार्बन सेम है हाइड्रोजन सेम है और ऑक्सीजन सेम है बन गया तीनों दोनों में एक जैसे हैं नंबर ऑफ कार्बन इज थ्री हाइड्रोजन इज सिक्स एंड ऑक्सीजन इज वन तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वही है इसका मतलब CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड H दूसरा प्रोडक्ट क्या बना आपका CH3 सी डबल बॉन्ड O यही बना ना ठीक है अब मैंने इससे एल्कीन की तरफ जाना है तो मैंने कुछ नहीं करना ये डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन हटा दूंगी और इन दोनों को जोड़ दूंगी इसका मतलब एल्कीन क्या बन जाएगी CH3 CH2 सी एच डबल बॉन्ड सी CH3 CH3 तो अगर ये यहां से टूटी होगी तभी मुझे एक प्रोपेनल और एक कीटोन मिला होगा तो जब आपको एंड प्रोडक्ट पता चल जाए
उन दोनों का आपने ऑक्सीजन हटा देना है और दोनों को वहीं कंबाइन कर देना है, वो आपकी स्टार्टिंग एल्कीन है। समझ आई कुछ? अब एंड प्रोडक्ट क्या बना आपके हिसाब से? एक प्रोपेनल बना, एक एसीटोन बना, दोनों का ऑक्सीजन हटा दिया आपने और बीच में क्या ले आए? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन आप कंप्लीट करके देखें तो यही बनेगी, ओजोन यहाँ पे आपकी हट बनेगी, यहां से आपकी हट टूटेगी और नेक्स्ट ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपने कंप्लीट, अच्छा पेपर में ये नहीं कि अगर आपसे एल्कीन और आपसे सिर्फ कार्बोनल कंपाउंड पूछे गए हैं तो हमने इतना ही लिख के आना है, रिएक्शन के मार्क्स होते हैं, लिख वो तो पूछ के भी लिख लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो रिएक्शन के मार्क्स होते हैं, जिसने रिएक्शन लिखी होगी उसको ही मार्क्स मिलेंगे, जो आप एम ही लिखा है कि ये एल्कीन है और ये कार्बोनल कंपाउंड है, यू विल नॉट गेट मार्क्स। मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद उसके हाँ, बाद फिर रिएक्टेंट भी लिखना है आपने, एल्कीन बता दिया, उसकी कंप्लीट रिएक्शन भी लिख के आनी है। वो तो होता है बेटे, इस रिएक्शन का तो करना ही पड़ता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्लास 12 तक चलती है। ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इस एल्कीन में। एल्कीन में दो रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। देखो टोटल आपका चैप्टर कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का होगा टोटेलिटी में। अब चलो सिलेबस बाइफ्रिकेट हो गए तभी 10 नंबर का तो हो गई। अगर उसमें से एल्कीन उठाएं तो एल्कीन में मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक ऑफ्रोल पड़ा है, सीधा दिख रहा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिस ट्रांस पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पड़े हैं आपके। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो क्वेश्चन पड़ा होता है। ओजोनोलाइसिस पे पक्का क्वेश्चन होते हैं। आप एनसीआरटी में भी देख लो, ओजोनोलाइसिस पे दो बैक एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है, सिर्फ ओजोनोलाइसिस पे ऐसे क्वेश्चन है, करके देखना उनको। ठीक है, एल्कीन एल्केन में नेमिंग रिएक्शंस हैं, स्वार्ड्स हैं, सेबिटियर्स हैं, हुड्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्स्टिट्यूशन है, कॉलबेज है, मैकेनिज्म सिर्फ मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक का है, कोई मैकेनिज्म फ्री रेडिकल डिडक्ट हो गया। सिलेबस देखा करो, यूज नहीं है। 22 नेक्स्ट बेटे, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन ऑन ऑजोनोलाइसिस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद फॉर्मूला C4H9Br। H9Br ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH गेव टू आइसोमेरिक कंपाउंड, गेव टू आइसोमेरिक कंपाउंड। हरनूर में तेरे हाथ पकड़ के नहीं लिखना, आई विल नॉट राइट। टू आइसोमेरिक कंपाउंड बी एंड सी विद फॉर्मूला C4H8 ऑन ओजोनोलाइसिस, बी गेव ओनली वन प्रोडक्ट CH3CHO, मीन्स एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल, व्हाइल सी गेव टू डिफरेंट प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी सी, अगेन टू रिपीट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद फॉर्मूला C4H9Br
ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH गेव टू आइसोमेरिक कंपाउंड्स बी एंड सी विद फॉर्मूला C4H8. On ozonolysis, B gave only one product, that is acetaldehyde, and C gave two products. Identify the compound A, B, C. पहले क्वेश्चन खुद रीड करो फिर मैं समझा दी. क्वेश्चन रीड करो खुद से. हरिया जब इस तरह का क्वेश्चन आते हैं बेटे, सबसे पहले जो गिवन है वो देखो. तो आपको गिवन क्या है, एक कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Br. ठीक है. ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH, on treatment with alcoholic KOH, give B plus C. अपने आप बनाओ, ये बोर्ड पे देख के क्या बन रहे हैं. विद फॉर्मूला C4H8, दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, मगर एक दूसरे के दोनों आइसोमर्स. ठीक है. ऑन ओजोनोलाइसिस, जब इसकी ओजोनोलाइसिस किसी कर रहे हो, बी की, जब बी की ओजोनोलाइसिस कर रहे हो, तो आपको एसिटाल्डिहाइड मिलता. अब सी की जो करते हो, जब सी की करते हो, टू डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं. मान लो हम डी और ई मान, ये हमने अज्यूम कर लिया. तो हमने अज्यूम किया है कि आइडेंटिफाई ए बी सी. ठीक है. अब हमें पता क्या क्या है, ये हमें पता है सिर्फ ये और C4H8. ठीक. तो अगर हमें एसिटाल्डिहाइड मिल रहा है सिर्फ एक, इसका मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड जिसकी ओजोनोलाइसिस करी है वो सेम ग्रुप्स होने चाहिए. मींस अगर ये वाला एक मॉलिक्यूल है, इसको आप दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दो सेम, तो वो एल्कीन बनेगी बी. हम यहां से बेटे पेपर में ऐसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो मैंने तो आंसर लिख देना. अपना भी दिमाग चलाओ, कैसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं कि हमें यहाँ पे एक एल्डिहाइड मिला है और एक तो मिलेगा नहीं ओजोनोलाइसिस से, उसके टू मोल्स ही मिलेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड ब्रेकेज होगी. क्योंकि ओजोनोलाइसिस में हमने सीखा कि जहां पे डबल बॉन्ड है वहां टूटेगी. तो अगर एक एल्डिहाइड एक ही काइंड ऑफ बन रही है, मीन्स डबल बॉन्ड के अराउंड सेम सेम है, मतलब दो ऐसे हैं, पहले दो ऐसे बना के उनको जोड़ के बी बनाओ. चलो बनाओ, क्या बनता है, एल्कीन बनाओ. यहां से एल्कीन पे जाओ क्योंकि दो सेम जुड़ेंगे तो ये वाली एल्कीन आएगी ना. अब दो कार्बन वाली इधर है, अब सोचो दो कार्बन ये हैं और दो कार्बन इधर होंगे तो कौन सी एल्कीन बनेगी, ब्यूटुइन बनाओ. फिर ब्यूटुइन बी, बी आपका सॉर्ट आउट हो गया, ब्यूटुइन. CH double bond CH. CH2 double bond CH2 नहीं, CH double bond CH. ठीक है. तो अगर यहां से हम उल्टा गए तो ये CH3
ये हमारे पास बी मिल गई क्योंकि इसको हमने ऑक्सीजन को इसका हटाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आए, यहाँ एक ऐसा सेम लगा दिया, ठीक है। अब तो ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मतलब ये भी एल्कीन और ये भी एल्कीन है ना, तो ये वाली एल्कीन होगी बीच वाली। अब इस एल्कीन में दो मिल रहे हैं, मींस इस एल्कीन में डिफरेंट मिल रहे हैं, मींस अगर मैं डबल बॉन्ड इस तरफ कर दूं तो ये पोजिशनल आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, ब्यूट वन ई, इसका मतलब सी क्या आ जाएगा आपका, ब्यूट वन ई। जब ब्यूट वन ईन को तोड़ेंगे तो हमारे पास एक प्रोपेनल बनेगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, तभी दो बनेंगे ना। तो यहाँ पे बनाओ, अब सी क्या हो सकता है, क्योंकि बी और सी का मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है सेम है, C4H8 है, C4H8 है, मींस ये अगर सीधी चेन है तो ये भी एक सीधी चेन है, तो दोनों आइसोमर्स हैं। इन दोनों आइसोमर्स में किस किसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो आप, डबल बॉन्ड की, तो सेकंड पोजीशन में तो है, तो फर्स्ट पोजीशन पे लेके आओगे ज्यादा से ज्यादा। तो बनाओ फिर, ये क्या बन जाएगा, ब्यूट वन ई, सी क्या हो जाएगी, ब्यूट वन ई, बनाओ खुद। बन गया। अब हम ए की तरफ चलें, वैसे तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी बाकी पता होने चाहिए, ये हमें पता है प्रेपरेशन, मुझे पता आप भूल गए होगे, इसलिए मैंने पीछे से शुरू किया, जैसे एग्जाम में कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गई, ये सीधी चेन है कहीं, ठीक है, तो ये सीधी करने की कोशिश करेंगे, एक दो तीन चार, ये तो पता चला लेंगे। अब हमने एल्कोहलिक क्यूएच से ट्रीट किया है, अगर आपको याद हो एल्कोहलिक केएच में बीटा एलिमिनेशन स्टडी करी थी आपने, यहां पे बीआर लगाओगे तो यहां से बीआर निकलेगा, प्रोबेबिलिटी यहां पे भी डबल बॉन्ड आने की है, प्रोबेबिलिटी यहां पे भी डबल बॉन्ड आने की है। ये प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन में जब मैंने आपको सेट्सर्व रूल करवाया था, जरा दोबारा पढ़ना घर जाके, यू हैव डन प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन में हमने एल्कोहलिक क्यूएच लिया था, एल्कोहलिक क्यूएच एक बेस की तरह एक्ट किया था, ये ओएच नेगेटिव आया था, इसने यहां से एच लिया था और यहां से डबल बॉन्ड और ये निकला था, तो ऐसे क्या बनेगी, ब्यूट टू ईन। वैसे ही अगर यहां से एच निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये क्या बनेगी, ब्यूट वन ईन। तो हमने कहा था ब्यूट टू ईन ज्यादा स्टेबल है, वो 80% बनती है, ब्यूट वन ईन कम स्टेबल है, वो 20% बनती है, क्योंकि ब्यूट टू ईन जो है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है एज कंपेयर टू ब्यूट वन ईन। तो आपका ए ये है, मींस अब ये देखो कहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई, प्रिपरेशन से स्टार्ट हुई, केमिकल प्रॉपर्टीज तक गई, इन्हें ही कन्वर्जेंस कहते हैं। सीधा कुछ नहीं आता ऑर्गेनिक में, प्रिपरेशन करी, तो पहले आपने एल्कीन की प्रिपरेशन करी, फिर एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करी, ऑल द रिएक्शंस आर इंटरकनेक्टेड, समझ आ गई। अब कंप्लीट रिएक्शन लिखो क्या बन रही है, फिर एबीसी लिखो, सॉरी
चलो एक और क्वेश्चन लिखो उसके बाद, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये वाला उसके बाद लास्ट है बेटे पॉलीमराइजेशन एंड देन वी स्टार्ट विद एल्काइन. राइट डाउन अ कॉन्जुगेट डाइईन. जब कॉन्जुगेट बोला जाता है तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. ओके, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आता है, फिर डबल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है. अ कॉन्जुगेट डाइईन हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C13H22. Upon ozonolysis, it gives ethyl methyl ketone. Cyclohexane carbaldehyde means cyclohexane के ऊपर CHO group लगा हुआ है, that is cyclohexane carbaldehyde. Identify the diene. Write the structure formula and give its diene means alkene जो भी आपकी. Write the structure formula and give the IUPAC name. ठीक है, again बेटा I am repeating, a conjugated diene has a molecular formula C13H22. ठीक, upon ozonolysis it give ethyl methyl ketone and cyclohexane carbaldehyde. This is cyclohexane carbaldehyde. See, this is cyclohexane carbaldehyde. इसे कहते हैं. Identify the diene and write the structure formula. हाँ जी, राइट. अभी देखो एक बारी, एक हिंट आई विल गिव यू, वन हिंट. दे आर गिविंग टू प्रोडक्ट्स, देयर विल बी थ्री प्रोडक्ट्स. क्यों? डाइईन का मतलब क्या है बेटे? बीच में दो डबल बॉन्ड है, तो दो जगह पे क्लीवेज है, एक जगह पे नहीं है. समझ आ रही है? जब कॉन्जुगेटेड डाइईन की बात करी इन्होंने तो दो जगह पे ब्रेकेज होगी, कहीं एक जगह पे नहीं होगी. पहली बात समझ आ रही है? अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये होता है, जैसे सी एच सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड यहां लगा दूं, यहां सिंगल बॉन्ड आई या डबल बॉन्ड आई, फिर ये कुछ है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड. डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, दिस इज अ कॉन्जुगेट. मीन्स ऐसा कुछ है, मीन्स अगर ये टूटे ना ऐसे ऐसे तो बीच में ये दो कार्बन बच जाते हैं, दो कार्बन वाला कुछ बनेगा बीच में, वो आप अलग से बनाओगे. और साइड साइड पे एक तो क्या बन रहा है? साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड. दूसरा क्या बन रहा है? इथाइल मिथाइल कीटोन. सोचो इस बारे में, ये दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट. लास्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. जस्ट आई विल टेल यू अबाउट एज इट इज नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन क्लास 12th यू विल बी हैविंग अ चैप्टर ऑन द पॉलीमराइजेशन अगेन इफ द सिलेबस विल नॉट बी रिड्यूस्ड. You are doing from the junior classes बेटे polymerization reaction like ethene. Ethene के जब n number of join होते हैं तो क्या बनते हैं? Polyethene. ठीक है, nylon. This is of 8th standard. ठीक है, nylon जो आप brush करते हो सुबह, है ना,
वो भी किसका मोनोमर होता है, वो एक एडिपिक एसिड का होता है, एक हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, वो एन नंबर ऑफ कंबाइन होते हैं तो आपको पॉलीमर मिलता है, लाइक बेकेलाइट, लाइक पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथेन, ये सारे पॉलीमर्स हैं। अब इतने सारे आपका पूरा चैप्टर आएगा क्लास 12th में, तब हम करेंगे। मीन्स पॉलीमराइजेशन बेसिकली यू विल टेक एन एल्कीन एंड ज्वाइन एन नंबर टेकिंग हाई टेम्परेचर और अ परोक्साइड, गॉट इट? एम्फेसाइजिंग ऑजोनोलाइसिस।